रांची में जस्टिस एलपीएन शाहदेव की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जस्टिस शाहदेव चौक पहुंचे। झारखंड आंदोलन में जस्टिस एलपीएन शाहदेव के कार्यों को याद किया गया। हमको पूरी तरह मेरे मानसिक पटल पे सब कुछ याद है, कैसे उन्होंने अलग राज्य के लिए एक बिगुल फूंका, अलग राज्य के समर्थन में आ गया है, और उनकी सोच थी कि झारखंड अलग राज्य बने, अलग राज्य बनकर यह राज्य सर्वोच्च भारत के उस श्रेणी में आए जहां रोजगार हो, जहां नौजवान आगे आए। आज झारखंड 23 साल का हो गया है, किंतु जस्टिस एलपीएन शाहदेव की सोच आधी पूरी हुई है, अलग राज्य बना है, लेकिन उनकी सोच थी नौजवान आगे आए, रोजगार बढ़े और झारखंड सर्वोच्च राज्य में आए। जो एक न्यायाधीश होते हुए भी उनके मन के अंदर या भाव पैदा हुआ या बहुत हुआ झारखंड की लड़ाई, अब झारखंड अलग प्रांत हो, इसके लिए उन्होंने अगुवाई करने का काम किया और झारखंड बना भी। एक ऐसे व्यक्ति जो अपने पद की चिंता न करते हुए और झारखंड की लड़ाई में भाग लिया, ऐसे महापुरुष को हम लोग हर पुण्यतिथि और जन्मतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके और अपने आप को गौरवान्वित करने का काम करते हैं। झारखंडी पुत्र और झारखंड आंदोलन में अपने अग्रिम भूमिका निभाने वाले जस्टिस पुण्यतिथि है। झारखंड आंदोलन को बौद्धिक पहचान देने के लिए और बौद्धिक रूप से जनमानस को तैयार करने में इनकी भूमिका हमेशा अग्रणी रही है और सभी लोग इनको इसी रूप में याद करते हैं। एक माटी के पुत्र का इतना बड़े ओहदे तक जाना और झारखंड के प्रति उनका समर्पण है हमेशा हम सभी लोग खुद से कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है और आज उसी अवसर पर हमको पूरी झारखंड आंदोलन का जब भी चर्चा होगा हमारे सहदेव जी का नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता है। झारखंड आंदोलन को गति देने में जो बौद्धिक रूप से जो प्रमुख लोग खड़े हुए उनमें से ये आगे थे सबसे, और इन्होंने इनके आने से एक बौद्धिक रूप से जो तैयारी हमारी थी, लगराज का जो संघर्ष था उसको बल मिला है। और ये विभाग थे, अपनी बातों को विभाग रखते थे, संवैधानिक पदों में रहे हैं, बावजूद राज्य के लोगों के प्रति इनकी संवेदना इनके शब्दों में प्रतिलक्षित होती थी और इन्होंने प्रेरित किया पूरे आंदोलन को। देखिए उस जमाने हम लोग जज साहब का नाम नहीं लेते थे, जज साहब कहते थे खाली। जज साहब का मतलब समझ लीजिए यही जज साहब, दूसरे जज साहब नहीं होते थे हम लोगों के लिए। झारखंडियों के नौकरी में थे तो भी चिंता झारखंड के लोगों की उनकी होती थी, अपना कर्तव्य निभाते थे एक जज के रूप में, लेकिन चिंतित रहते थे, चिंता होती थी झारखंड के मूलवासी आदिवासियों। तो पहले तो आज हम जस्टिस एलपीएन शाहदेव को तो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, उस समय सब झारखंड में बौद्धिक रूप से लोग नहीं ज्यादा शरीक थे, उस समय ये कैसे जस्टिस का झारखंड आंदोलन में शरीक होना और सड़क से लेके एक साथ आंदोलनकारियों के साथ चलना अनोखा, बल्कि कहेंगे पूरे देश में इकलौता ऐसा है कि जो एक न्यायाधीश होकर के झारखंड आंदोलन के न्याय के लिए सड़क पर आए। झारखंड आंदोलन का जब